दिस इज़ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम दी भैया दिल्ली. ये है दिल्ली ऑल दिल्ली. और आज हम हैं राकेश भाई के पास, जो कहते हैं कि वन ऑफ दी बिगेस्ट होलसेल काइंड शॉप है, जहाँ स्पेशली अगर हम बात करें जैसे ये राकेश भाई बैठे हैं, इनसे मिलवाएंगे आपको. और खासकर जो इनका होलसेल रहता है वो रहता है सद्दी का, जो पूरी दिल्ली में होलसेल काम सद्दी का रहता है. और कुछ इस तरीके से देखिए पूरी शॉप है यहाँ पे, ये सब रखा हुआ है यहाँ पे. देखिए कुछ चरखे रखे हैं खाली, अगर आपको चाहिए अड्डे जैसे, ये देखिए अड्डे यहाँ पे, ये अड्डे हो गए यहाँ पे. और कुछ ये देखिए यहाँ पर पतंगे प्लास्टिक की, कुछ कागज़ की पतंगे हैं यहाँ पे. तो होलसेल का शॉप है यहाँ पे. देखिए सद्दियों के पूरे पूरे रखे, तो त्रिशूल का धागा देखिए कहाँ मिलेगा आपको शॉप के ऊपर, मतलब जल्दी से. तो कहा ना कि धागा चाहिए, सद्दी चाहिए या वो चाहिए, उसके लिए आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अभी राकेश भाई के पास चलेंगे, पूछेंगे कि देखिए वरदान आर्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ पे पूरा. अरे वाह, तो हम फाइनली एक पहुँच चुके हैं एक नई काइट शॉप के ऊपर, जहाँ मिलता है होलसेल के अंदर माल. और ये देखिए सब सद्दी वद्दी वरदान, देखिए यहाँ पे बहुत यहाँ पे अल्टीमेट. ये देखिए यहाँ पे विक्टर रखा हुआ है, यहाँ पे विक्टर थ्रेड रखा हुआ है. और ये काला काला विधान हो गया, काफ़ी सारे सद्दी के ऊपर है यहाँ पे. और पतंगे ही पतंगे यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों की ऐसे पतंगे हो गई, छोटी ऐसे मोटू पतलू की जो सीज़न की पतंगे होती हैं. और ये देखिए यहाँ पे कुछ मंजोली पतंगे रखे हैं डिज़ाइनदार, जो सॉरी मंजोली छोटी है ये, काफ़ी यहाँ पे हुआ है. और यहाँ पे देखिए सद्दियों के फिर से कौन आ गए हैं, अलग अलग ब्रांड की सद्दियाँ. देखिए गुलाब थ्रेड देखिए यहाँ पे नंबर 8, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखिए. और ये पूरा शॉप ऊपर यहाँ पे इस तरीके से पूरा माल रखा हुआ है. तो भैया के पास चलेंगे और भैया से बात करके आपको बताते हैं कि क्या क्या रहेगा इनके पास और क्या क्या हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं. यहाँ पे पूरा शॉप ऊपर तक देखिए यहाँ पे है, तो कंटिन्यू करते हैं भैया के पास. और खासकर अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक अड्डे, जो बोलते हैं कि चरखी भरने काम आते थे, देखिए चरखी भरने वाले काम आते हैं, अगर ये चाहिए तो डेफिनेटली आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए. और करते हैं राकेश भैया के पास चलते हैं और बात करते हैं राकेश भैया से. तो हैंड ओवर करेंगे राकेश भैया को माइक और राकेश भैया से बात करेंगे. तो मिलवाते हैं आपको जतिन भैया से. तो जतिन भैया आज के टाइम पे शॉप को संभालते हैं. तो भैया कितनी पुरानी शॉप है अपनी ये? कम से कम 40 साल, 40 ईयर्स हो गए. और जो मेन एड्रेस है शॉप का वो क्या पड़ता है? वो 1915 नियर बाय मेट्रो स्टेशन. चलिए, तो भैया जैसे आप बता रहे कि पूरा होलसेल का काम रहता है, तो होलसेल मेजर क्या रहता है होलसेल में? क्या मेजर में होलसेल में जैसे पन्नी की काइट्स, जैसे ये तरीके से आपकी प्रिंटेड काइट्स होती है, और राइट कागज की हो गई आपकी, जो भी होलसेल के जितनी शॉप्स के लिए आने को मटेरियल सीजन के लिए जो रहता है आपका, जितना होता है वो आपको यहाँ पे मिल चलेगा. देखिए यहाँ पे कुछ वैरायटी दिखाता हूँ आपको, ये सारा मोटू पतलू एंग्री बर्ड, ये सारी आपको इस तरह की सारी आपको ये मिल जाएंगे. वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो भैया ये तो हो गया पतंगों के, तो प्लास्टिक की पतंगे हो गई या पतंगे सीजन के हिसाब से हो गई, तो सीजन में कौन कौन से साइज की पतंगे मिल जाती है आपको? छोटी से लेके सबसे बड़ी तक जितनी आपको साइज चाहिए सब मिल जाएगा. थोड़े से डिजाइन दिखा सकते हैं, छोटे में डिजाइन दिखा सकते हैं, छोटे के अंदर डिजाइन आपको ये वाले मिल जाएंगे, ये से छोटा है जैसे. बहुत बढ़िया, राइट. एक दिनू पोना देना बेटा. और जैसे नीचे यहाँ पे डिजाइन काफी रखे हुए हैं, देखा था इस पे. और ये जैसे फैंसी पूरी आइटम आती है, ये मतलब बाहर जाता है माल, ये वाले भी मिल जाएंगे आपको. ओके, तो आपका माल खाली दिल्ली में जाता है कि बाहर भी जाता है आपका माल? हाँ, बाहर भी चला जाता है. ओके, ये जैसे कागज का बड़ा वाला सीट वो आ गया, ये थोड़ा बड़ा साइज आ गया, फैंसी आइटम आ गई. ओके, क्या बात है, ये देखिए. तो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? तो खुद की आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप खुद पतंग यहाँ पे बनवाते हैं और भेजते पूरे इंडिया में. यहाँ पे दिखाना एक बार, यहाँ पे कुछ दिखा रहे थे यहाँ पे भैया. अरे वाह, बहुत बढ़िया. तो भैया ने बताया खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और अपनी 40 इयर्स ओल्ड काई शॉप है. प्लस भैया बता रहे कि अपना मेन काम सद्दी का मेन काम हमारा काम है सद्दी का मेन. तो सद्दी में कौन कौन से ब्रांड है? ओसवाल, बैलून, विक्टर, सारी तरह की आपको छोटी से लेके बड़ी तक सब मिलेंगे. बात करते हैं जैसे विक्टर और ओसवाल काफी यूज होती है मैदान में, तो उसके कौन कौन से नंबर मिल जाते हैं? नंबर 4 नंबर 8 नंबर, ये सबसे फेमस नंबर है, ये तीनों आपको यहाँ पे अवेलेबल है. तो आपका प्रॉपर तरीके से रहता है होलसेल का काम, तो कोई भी रिटेल शॉप वाले आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थोड़े से कुछ डिजाइन दिखाएं ताकि हम अपने कस्टमर को डिजाइन दिखा सके इसके अंदर. ये जैसे बैलून की सद्दी है, राइट, बैलून हो गए, ट्राई कलर के अंदर आजकल विक्टर चल रहा है, वो ये वाला चल रहा है आजकल, विक्टर है, ट्राई कलर.
ये देखिए यहाँ पे विक्टर का हो गया ये वाला, तो विक्टर का भी आप होलसेल करते हैं पूरा? विक्टर का भी आपका ये, तो मतलब पूरे दिल्ली में जहाँ भी माल जा रहा है वो कहीं आपके यहाँ से जा रहा है। अच्छा जो अपने ओसवाल की सर्दी है जो आजकल आई थोड़ा उसके वो दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे, तीन नंबर चार नंबर कौन कौन से हमारे पास है। अरे वाह ओसवाल ये आठ नंबर में आ गई है, क्या बात। तो भाइयों ये है होलसेल शॉप, तो इसलिए यहाँ पे प्राइस नहीं बताएंगे, बट अगर आपकी शॉप है दिल्ली में तो आप भैया इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और होलसेल के एक चर एक नहीं खाली होलसेल के। देखिए भैया का जानबाज वाइज आ गया आठ नंबर, तो कॉटन थ्रेड है। ये देखिए विक्टर में आपको छोटी छोटी वैरायटीज भी मिल जाएंगी, ओके, और जो मैदान वाली है वो भी वैरायटीज मिल जाएगी। मैदान वाली दिखाएंगे थोड़ा सा, कौन सी मैदान वाली? तो अरे वाह ये है छह नंबर और तीन नंबर, अपने दिल्ली में इसको हम तीन नंबर बोलते हैं, तीन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे सो आपके पास सब मिल जाता है, जैसे त्रिशूल का धागा, विक्टर की सद्दी, जानवाल की सद्दी, और वो भी सब होलसेल रेट पे मिल जाता है। उसके अलावा आपको मिल जाता है अड्डा, जो चरखी भरे वाला अड्डा होता है, ये देखिए आज मैं भी लेके जा रहा हूँ अपने साथ ये वाला अड्डा। होलसेल है कोरियर का, ये है कि आने तो अगर एक बार कस्टमर आ जाए तो एक बार कस्टमर आ जाए बाद में आप ट्रांसपोर्ट से माल भेजते रहेंगे उनका। हाँ नहीं, नहीं, ट्रांसपोर्ट से जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सद्दी में आपका बहुत बड़ा काम है होलसेल का, और बहुत ही पुराना काम है सद्दी का। विक्टर और ओसवाल के अलावा जो छोटे आइटम जो सद्दी के, तो उसमें क्या क्या आपके पास? छोटे सद्दी के अंदर जैसे आने तो बच्चों के लिए ये आइटम्स भी हैं, जैसे होलसेल के अंदर है ये, छोटे बच्चों के लिए दुकान में रखे हुए हैं। राइट 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 राइट, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक सारे आइटम मिलेंगे आपको। यहाँ पे दिखाया था भैया ने, यहाँ पे वर्धमान का चैलेंज है, ये वर्धमान का चैलेंज है जो गुजरात में चलता है, वो भी हमारे पास है। अरे वाह क्या बात है, बाराकोट। तो कहीं ना कहीं सद्दी के अलावा धागा भी आपके पास है और काफी स्टॉक है, ये प्लास्टिक की पतंग के अंदर ये आइटम्स काफी आपके यहाँ पे मिल जाते हैं इसका मतलब। और ये पांडा है जिससे मांजा बनता है, ये वाला राइट भैया। और ये देखिए ये वर्धमान का आता है, और ये भी इससे भी मांजा त्रिशूल बनता है, लगा तो उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे डिमांड आपको मिल जाएगी, और खाली चरखा भी मिल जाएगी, खाली चरखा ही मिल जाएगी आपको। अब देखा जाए यहाँ पे खाली चरखा रखी हुई, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखी हुई है, और ये भी सब आप होलसेल में इनसे ले सकते हैं। तो पूरा कुछ इस तरीके से शॉप है, आप देखिए। तो दोस्तों ये शॉप है पतंग, सद्दी और कहते हैं कि धागे की होलसेल शॉप। तो अगर आपकी भी शॉप दिल्ली में और आपको चाहिए होलसेल माल, तो आप इनसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। जितनी भी है का मैं नंबर डाल दूंगा, बट इसे रिक्वेस्ट होलसेल वाले ही करें, होलसेल वाले रिटेल नहीं, होलसेल वाले एक दो के लिए प्लीज परेशान ना करें। जो रिटेल मतलब होलसेल, इनको बल्क में माल लेना, वो यहाँ पे आइए, भैया का काम ही बल्क के अंदर है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।